नमस्कार सभी लोगों को, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं आपके सामने वही अपना जो इससे पहले वाला वीडियो था फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच में जो हमने बात की थी हम ऑक्सीमोरन तक कर चुके थे, पर्सोनिफिकेशन भी हम कर चुके थे। और मैंने कहा था कि जिन लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं या फिर जो किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश को यूज़ करना चाहते हैं उनको ये फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। पोएटिक जितनी भी पोएटिक डिवाइस होती हैं, मीन जितनी भी पोइट्री होती हैं, उन सब में इनका बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल है। तो इसमें मैं आपको चार बता चुका था, 8 टाइप्स होते हैं जिसमें आज हम बाकी के 4 पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ जो पहली वीडियो जिन लोगों ने देखी उनको समझ में आया होगा। और मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको जो भी दूँ वो बेस्ट वे में दूँ। तो शुरू करते हैं आज का जो फर्स्ट हमारा है जिसको हम लेके चलने वाले हैं, दैट इज़ मेटोनिमी। मेटोनिमी जो आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है मैंने इसे लक्षण अलंकार। मेटोनिमी होता क्या है पहले समझिए। लिखा हुआ है मेटोनिमी इज द यूज़ ऑफ अ लिंक्ड टर्म टू स्टैंड इन फॉर एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। ये मेटोनिमी जो है वो लिंक है, एक लिंक है जो जोड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को या कॉन्सेप्ट को। मतलब कहने का अर्थ ये है किसी भी ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट को लेकर आप बात कर रहे हो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मेटोनिमी अलंकार वो लक्षण अलंकार क्यों बोला गया, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, पर आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आप बात उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसका वहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी बात से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। मेटोनिमी ये बताता है आपको कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिस वस्तु को लेकर आप बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल को लेकर आप बात कर रहे हैं, उसकी वहाँ पर कोई पर्टिकुलर नीड नहीं है होने की, लेकिन आप उसको एज अ मेटोनिमी वे में लक्षण के रूप में यूज़ कर रहे हैं और जिससे कि वो वहाँ उसका एक स्पेसिफिक अर्थ निकल कर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया हुआ है, हम अक्सर बोलते हैं द पेन इज़ माइटर देन सॉर्ड, यानी कि पेन जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है तलवार से। अब यहाँ पर पेन को और तलवार का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है पेन लिखने के लिए होता है और सॉर्ड होती है जो लोग गुस्सा दिखाते हैं उनको, युद्ध या जितने भी योद्धा होते हैं वो तलवार का प्रयोग करते हैं। तो कहा जा रहा है कि तलवार से ज़्यादा खतरनाक कलम है, मीन कलम के लिए वो बात कर रहे हैं मीडिया की। मीडिया ज़्यादा हानिकारक है, कलम वाले लिखने वाले जो टीचर्स यूज़ करते हैं वो पेन से लिखने वाले लोग ज़्यादा हानिकारक हैं, मीन उनका प्रभावी लिखावट, उनका लिखना ज़्यादा हानिकारक है तलवार से। जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा टीचर को इंडिकेट नहीं किया, यहाँ पर नहीं इंडिकेट किया किसी मीडिया वाले को, यहाँ पर सॉर्ड के लिए किसी मिलिट्री वाले को इंडिकेट नहीं किया, किसी योद्धा को इंडिकेट नहीं किया, लेकिन उनके बारे में बता दिया गया है ना। एग्जाम्पल एक और देखिए आपकी अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। मैं अगर बोलता हूँ आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, मैंने बोला आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, इट मीन्स सबको पता चलना चाहिए मैं बोल रहा हूँ शेक्सपियर के बारे में, जबकि मैं शेक्सपियर को पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। शेक्सपियर ने जो ड्रामाज लिखे हैं, जो पोइट्री जो प्ले लिखे हैं, उनको पढ़ना पसंद करता हूँ। पर मैंने क्या बोला, आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, मैंने नहीं बोला कि आई लाइक टू रीड शेक्सपियर प्ले, तो मुझे प्ले वर्ड बोलना ही नहीं है। व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा या जब मैं कहूँगा आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, ऑटोमेटिकली ये उसके उनके ड्रामा या प्ले के लिए चला जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर प्ले छुपा हुआ है। शेक्सपियर जो बता रहे हैं या आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, इस लाइन से क्लियर निकल के आ रहा है कि मैं उस छुपी हुई बात के बारे में बात कर रहा हूँ, उस लिंक से जोड़ शेक्सपियर से मैं उनके नाटकों को जोड़ रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने कोष्ठक में इंडिकेट किया है। व्हेन आई सेड आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, तो सॉरी व्हेन आई सेड, तो यहाँ पर मैं हिस प्ले ना बोलूँ तब भी ये अपने आप निकल के आएगा अर्थ कि मैं उनके नाटकों को पसंद करता हूँ। तो मेटोनिमी वह अलंकार है जो आपको ऐसे शब्दों के बारे में बताएगा जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी रिप्रेजेंट उनका जो उनको बताने वाला या उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई वर्ड आपने इफेक्टिवली यूज़ किया है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा जो अलंकार है, दैट इज़ लिखा हुआ है सामने, देखिए ऑनोमेटोपोइया, ध्वनिवाचक अलंकार, नाम से स्पष्ट है। तो थिंग्स आर एग्जामिन्ड और जज्ड बाय देयर एक्चुअल साउंड, यानी इसमें क्या होगा, पोएम में कुछ ऐसे साउंड, पोएम के बीच में कुछ ऐसी लाइंस या ऐसे स्टेंजर्स आएंगे जिसमें किसी एनिमल या किसी का भी साउंड दिया होगा,
उस साउंड से आप जज करोगे, उस साउंड से आप जस्टिफाई करोगे कि दिया हुआ जो एनिमल है या दिया हुआ जो आर्टिकल है वो साउंड किसका है, दिया हुआ साउंड किससे रिलेट्स है। तो वहाँ पर ध्वनि से आप जज कर रहे हो, दैट्स वाई उसे बोलेंगे आप ऑनोमेटोपोइया। जैसे ये लिखा हुआ है, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, जब मैं बहता हूँ, जब मैं बहता हूँ मैं चैटर चैटर करता हूँ। तो चैटर चैटर हिंदी में बोलूँ तो कल कल की ध्वनि होती है, पानी जब बहता है तो कल 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 का साउंड आता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मैं आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, अगर आपसे मैं ये पहली भी पूछता हूँ तो वो क्या है, वो वाटर है, ये ऑटोमेटिकली आपको वो चैटर चैटर से मालूम चल गया। मैंने लिखा बीज आर ममरिंग, तो ममरिंग जो वर्ड है ये अपने आप में साउंड बता रहा है, भिन बनाना या भिन बिनाहट। तो भिन बिनाहट से आपको अपने आप जज हो गया कि यहाँ पर ध्वनि वाचक अलंकार इस पंक्ति में दिया हुआ है। पूछते कैसे हैं, लाइन्स देते हैं और सेंटेंस देते हैं और पूछते हैं इन लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप इजीली बता पाओगे अगर आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच मालूम होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोले की बात करें तो ये क्या है, हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें देखिए ये हिंदी में भी आपको मिलेंगे और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर एज दे आर नॉट इन रियल, यानी वस्तुओं को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वो रियल में नहीं होती। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर एज दे आर नॉट इन रियल, वास्तविकता से बढ़ा के बोला जाता है, रियल में है लेकिन उससे बहुत बढ़ा के चीज़ों को बोला जाता है। जैसे लिखा हुआ है आई नियरली डाइड लाफिंग, मैं हंसते हंसते मर गया होता, है ना। तो ये बोलचाल की भाषा में अच्छा लगता है लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप पाओगे तो क्या देखोगे, इस लाइन में बात को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, मतलब हंसकर कोई नहीं मरता, कभी हंस के कोई नहीं मरा लेकिन बोल रहे हैं मैं इतना हंसा कि मर गया होता, है ना। आई नियरली डाइड लाफिंग, हंसते हंसते। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल्स, बोलते हैं युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। इज़ इट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी युद्ध में खून की नदी नहीं बह सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि बात चल रही किसकी, बात चल रही है, बात को नॉर्मल वे में ना बोलकर थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करना, माना कि युद्ध में खूब खून बहा होगा, खूब लाशें गिरी होंगी, खूब लोग मरे होंगे लेकिन शहीद हुए होंगे, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोट इन द बैटल, यानी इन दोनों लाइन में आपको लग रहा है ये बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। इसको और अच्छी तरह समझ लीजिए, इसको तोड़िए जरा, हाई पर बोल, यानी हाई मीन्स मान लीजिए ऊंचाई पर जा, पहले तू लंबे ऊंचाई पर जाके बैठ जा, फिर लंबी लंबी फेंक या लंबा लंबा बोल, बड़ा बड़ा बोल। एक आपने हिंदी में भी अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण मैं आपको दे दूँ, क्योंकि जानकारी दे दूँ बताने के लिए, एक है कि हनुमत की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी है और लंका पूरी जल गई, माना कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी थी तो उन्होंने लंका को जलाया था, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि हनुमत की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका पूरी जल गई या लंका सारी जल गई, जाता है या किया गया है। आई होप कि आपको हाइपरबोले भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसे अगर बोलूं तो पन मींस श्लेष अलंकार हिंदी में लिखा हुआ है। जिन लोगों ने हिंदी में पढ़ा है वो भी समझ लीजिए, यहां पर व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड वंस बट इट गो मोर देन वन मीनिंग, बट इट गिव्स मोर देन, एक बार आएगा और एक से अधिक उसके अर्थ निकल के आएंगे। कई बार हमने पढ़ा है, श्लेष अलंकार भी हमने पढ़ा है, जहां पर एक शब्द एक बार आए अर्थ उसके बार बार, मतलब कई अर्थ भिन्न आए। जैसे रहमन पानी राखिए, मैं हिंदी बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर विजन ले पाएँ, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी कहना उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी वर्ड एक बार आया है, पानी पानी सेम पानी वर्ड आ रहा है लेकिन तीनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, सेम वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। इंग्लिश की बात करते हैं तो हमने क्या बोला, पन श्रेष अलंकार, अ बॉयल्ड एग एवरी मॉर्निंग इट हार्ड टू बीट। हार्ड टू बीट की अगर मैं बात करूँ तो एक एडियम है, एक एडियम यूज़ किया है, क्या बोल रहे हैं, अ बॉयल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट। इसके दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, पहला अर्थ क्या निकल के आ रहा है, पहला सेंस का ये निकल के आ रहा है कि रोज सुबह यानी मॉर्निंग में अगर आप चाहो, यानी अगर आप चाहते हो बॉयल्ड एग को सुबह खाना, तो फिर आप अगर ऑमलेट बना के खाना चाहते हो तोड़ोगे नहीं ना, तो बोल रहे हैं इतना ये पॉसिबल, इट इज़ हार्ड टू बीट, ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल कार्य है कि आप सुबह बॉयल एग को बॉयल करो फिर उसे मिक्सअप करो फिर उसे तोड़ो,
है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक हार्ट का मतलब काम है, यानी कि आप बात ये कर रहे हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं कि आप दिन के किसी और भाग में बॉयल एग को तोड़ सकते हो। कहने का से ये, अगर आपको एग तोड़ना ही है तो बॉयल क्यों करोगे, तो बॉयल एग को आप तोड़कर मैश नहीं करोगे ना। तो पहला सेंटेंस तो ये हुआ, अब बॉयल्ड एग एवरी मॉर्निंग हार्ड टू बीट, मीन कोई उसे पीटना है कूटना नहीं चाहेगा रोज सुबह। दूसरा क्या हुआ, ब्रेकफास्ट में अगर आप कोई ब्रेकफास्ट करते हो, आप ब्रेड खाते हो, आप कुछ और खाते हो, लेकिन बॉयल्ड एग का कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पर जो हार्ट टू बीट है, दूसरे वाले मैं जो अर्थ बता रहा हूँ, वो दूसरे वाले अर्थ में हार्ट टू बीट का मतलब है उसे कोई बीट नहीं कर सकता। ब्रेकफास्ट के तौर पर बॉयल्ड एग को कोई बीट नहीं कर सकता, यानी उसके कंपेयर में कोई और एग और कोई और ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं है। दोनों और समझिए, हार्ट टू बीट ने या दो अर्थ दिए हैं, बॉयल्ड एग के या दो अर्थ निकल के आए हैं। पहला, बॉयल्ड एग कोई स्मैश नहीं करता रोज सुबह उठकर, इट इज़ नॉट सो इजी टू स्मैश अ बॉयल्ड एग, आप उसे तोड़ो और तोड़ के बनाओ, ये इम्पॉसिबल है। कोई बॉयल्ड एग को मिक्स नहीं करता बीट, मतलब इट इज़ हार्ड टू टर्न अ बॉयल्ड एग इनटू अ मिक्स बाय बीटिंग इट, है ना, वो नहीं करता उसके। और सेकेंड मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने आपको बोला कि आप नहीं कर सकते कोई और ब्रेकफास्ट इतना अच्छा, अंडे को कोई बॉयल्ड एग से बेटर ब्रेकफास्ट कोई नहीं हो सकता, इट इज़ हार्ड टू बीट। तो यहाँ पर जो बॉयल्ड एग है, ये यहाँ पर श्लेष अलंकार के तौर पर यूज़ किया गया है। ओके, समझ में आ गया होगा। आठ अलंकार मैंने आपको बताए, मैं आठों को आपको एक रिविजन के तौर पर बोल दे रहा हूँ आप, ताकि आप और इजीली समझ पाएँ। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, पहला मैंने आपको बोला फर्स्ट जो बोला वो बोला सिंपली, द सेकेंड वन वॉज मेटाफर बोला था, थर्ड वन ऑक्सीमोरन, फोर्थ वन वॉज परसोनिफिकेशन, एंड फिफ्थ आज हमने पढ़ा मेटानमी, सिक्स पढ़ा हमने ऑनोमेटोपोइया, सेवन्थ पढ़ा हमने हाइपरबोले, और एट पढ़ा हमने पन। ये सारों, ये आठों अलंकार, ये आठों फिगर ऑफ स्पीच एक परफेक्ट वे में आपको पोएटिक डिवाइस को समझने में मदद करते हैं, पोएट्रीज को समझने में मदद करते हैं, ये आपको और इफेक्टिवली सारी पोइम्स को समझने में मदद करते हैं। और ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं कि लाइंस दी जाती हैं, पोइम के स्टैंजास दिए जाते हैं, और पूछा जाता है बताइए इनमें कौन से अलंकार या किस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो आपको, आप आराम से बता दोगे कि ऑनोमेटोपोइया, हाइपरबोले, पन और बाकी जो पांच हमारे हैं उनमें से कौन सा अलंकार किस में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बार बार आप लोगों से यही बोलता हूँ, यू कैन आस्क मी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं एक बार दोबारा जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा बता दूँ, सिमली मतलब उपमा अलंकार, जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो आर्टिकल्स के बीच में, लेकिन कंपेयर करते वक्त हम लाइक एस सो ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यानी लाइन में किसी लाइन में अगर हमें लाइक एस सो दिखाई दे गया तो वो सिमली है। सेकंड, मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार और सिमली में दोनों में इतना अंतर है, यहाँ भी कंपेरिजन होगा मेटाफर में, लेकिन यहाँ पर लाइक एस सो नहीं आएगा। तीसरा मैंने आपको बोला था ऑक्सीमोरन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में आएंगे, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड एक साथ आएंगे, यानी विरोध किया जा रहा होगा। लाइफ इज ओपन सीक्रेट या इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये मैंने आपको बताया था, एग्जांपल्स इसके काफ़ी हैं, कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज के थ्रू दूंगा वीडियो में। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं मानवीकरण, जहाँ पर नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। मेटोनमी में लक्षण अलंकार बोलते हैं, जहाँ पर हम उस आर्टिकल के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उसकी बातों के थ्रू या उसको स्टेंजा के थ्रू उसके बारे में बताना चाह रहे हैं जो चीज़ मौजूद नहीं है, उसके लक्षण दिखाकर। ऑनोमेटोपोइया, यहाँ पर आप जज करोगे किसी भी लिविंग बींग को या आर्टिकल को उसके साउंड से, यानी जहाँ पर साउंड की बात होगी वहाँ होगा ऑनोमेटोपोइया, यानी ध्वनिवाचक अलंकार। उसके बाद हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर बात को नॉर्मल से बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आएंगे। और लास्ट में पन, जहाँ पर मैंने बोला श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द को आप यूज़ एक बार करोगे लेकिन उसके अर्थ एक से ज़्यादा निकल के आएंगे, जिसमें बॉयल्ड एग को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। पूरी उम्मीद है मुझे मेरा ये नया वीडियो रिलेट्स टू फिगर ऑफ स्पीच आपके समझ में आएगा। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। कल मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के जितनी आठों जो पढ़े हैं उसकी एक्सरसाइज बताऊँगा, कुछ 10 या 15 एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करूँगा, और इसी बात को फिर हम कल आगे बढ़ाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आए, तो जिन लोगों को पहुँचाना हो वहाँ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कॉमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं।